नमस्कार आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद और मैं हूं आपके साथ साहिल मगध संवाद की खास कार्यक्रम बिहार समाचार में आपका स्वागत है खबरें बताएंगे बिहार की गांव शहर की प्रमुख बड़ी खबरों से कराएंगे आपको अपडेट आज की प्रमुख खबरों में बिहार की सियासत हुई कई गर्म कई नेता हुए इधर से उधर प्रधानमंत्री ने दी सौगात वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान न्यूजी शिक्षक हुए नाराज वहीं जीविका दीदी की बल्ले बल्ले आइए जानते हैं खबर विस्तार से तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार से आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा सप्लाई अब जीविका दीदी करेंगी समाज कल्याण विभाग के निर्णय पर जिलों को भेजा गया है खास निर्देश अब अंडों को अंडा यानी बच्चों को अंडा मिलने में अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको बता दें कि जीविका दीदी को जोड़ने से बच्चों को नियमित अंडा मिलेगा पूर्व में भी अंडा देने को लेकर प्रावधान किया गया था लेकिन अंडा के नाम पर केंद्रों में काफ़ी गड़बड़ी की शिकायत मिलने लगी थी जब इनकी जांच हुई तो कई केंद्रों में शिकायत की गई पुष्टि भी हुई इसके बाद केंद्रों पर कार्रवाई की गई इस कारण से अब जीविका दीदी को अंडा सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई है ताकि बच्चों को नियमित पोषाहार में अंडा मिलता रहे वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक आज कई जिलों में विधायकों के आवास को घेरने का काम किया है उनका कहना है कि बिना शर्त हमें राजकर्मी की दर्जा मिलना चाहिए अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को उठा रहे हैं तो क्या इस पर सरकार गंभीर है या फिर मियोजी शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगती है या आने वाला वक्त ही गवाह होगा इधर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है तीन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं बीते दिन आरजेडी में आरजेडी से संगीता देवी और कांग्रेस से मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि विपक्ष के विधायक नेतृत्व विहीन हो गए हैं ऐसे में लोग मजबूत नेतृत्व को संकल्प ले रहे हैं तो वहीं हम आपको बताते चलें कि सत्ता में आने पर कांग्रेस ने एक वादा किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को हटा कर हम फिर से वही पुरानी पद्धति लागू करेंगे तो ही नियोजित शिक्षकों के लिए बता दें कि एक हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपए वेतन मद में जारी किए गए हैं तो वहीं पंचायतों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मिले छियासठ करोड़ रुपए में सिर्फ छत्तीस करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं यानी कि पंचायतों को जो राशि दी जा रही है उसके अनुसार वह खर्च नहीं कर पा रहे हैं स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में मिली राशि खर्च होना है यानी कि पंचायत इस राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं वहीं बिहार के वार्ड सदस्य जो है अपने हक और अधिकार को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की मूड बना रहे हैं वहीं बता दें कि बिहार में पड़ोसियों से बिहार के जो लोग हैं वो अपने के से अधिक खर्च करने में आगे हैं तो वहीं अनाथ बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है राशि कोरोना काल में अनाथ बच्चों के बीच सिर्फ चार दशमलव नौ पांच लाख राशि ही बट पाई है यानी कि यह राशि जहां है वहीं स्थिर रह पा रही है ऐसे में पदाधिकारियों पर कार्रवाई की आवश्यकता जाहिर की गई है वहीं बता दें कि विद्यार्थियों को अब विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जाएगी जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली शिक्षा ऋण भी होगी इसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि बिहार के छात्रों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिले नवाचार को भी इससे बढ़ावा दिया जाएगा राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च शिक्षण संस्थान की होगी भागीदारी आपको बता दें कि सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी स्टेट लेवल फेलोशिप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को तो मिलेगा या लाभ तो यह बिहार सरकार की एक बड़ी योजना मानी जा सकती है वहीं तेजस्वी यादव इन दिनों जन जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी बीच तेजस्वी यादव को बड़ा झटका भी लगा है उनके एक विधायक जो हैं भाजपा में शामिल हो गए हैं तो इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सीमांचल में है तो कई जिलों का लगातार तेजस्वी यादव एक बस के द्वारा भ्रमण कर रहे हैं काफ़ी जनसंख्या लोग उनके साथ जनसभा में मौजूद हो रहे हैं वहीं बिहार के 18 जिलों में दूसरे चरण का भू सर्वेक्षण लोकसभा चुनाव के बाद कराने की तैयारी चल रही है वहीं हम आपको बताते चले कि 48 घंटे के भीतर माफियाओं की सूची अब थानेदार बनाएंगे इसका खास निर्देश दिया गया है तो वहीं हम आपको बता दें एक खास बात है कि बिहार के विद्यालयों में अब खास व्यवस्था होने जा रही है खास सुविधा मिलने जा रही है ताकि जो विद्यार्थी सरकारी विद्यालय के हाई स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं वह अब नामांकन कराएं इसके लिए प्रायोगिक जो व्यवस्था है विद्यालय में उसको सुदृढ़ करने की कार्य करने का कार्य किया जा रहा है इधर हम आपको बता दें कि ई क्षमता ऐप से नर्सिंग के छात्र छात्राएँ अब दक्ष होंगे संस्थान में पढ़ाई के अलावा ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी एनएम और जीएनएम कोर्स की अध्ययन सामग्री भी मुफ्त मिलेगी सालाना पैंतीस हज़ार दाखिला होंगे अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों को यह खास मौका दिया जा रहा है और हम आपको बता दें कि मैट्रिक का रिजल्ट समय के अनुसार मिल जाएगा यानी बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन एक से दस मार्च तक होगा इस परिणाम अंतिम कहने का तात्पर्य है कि इसका परिणाम जो है अंतिम सप्ताह में आएंगे बिहार में 250 से अधिक तो पटना में ग्यारह मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन तो वहीं एक बार फिर से बड़ी बहाली बहाली जो है शिक्षा विभाग में होने जा रही है जिसमें नियोजित शिक्षकों को भी इसमें रखा गया है मौका दिया जाएगा चालीस हज़ार पाँच सौ छः प्रधान शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आठ साल सेवा पूरी करने वाले आवेदन के योग्य माने जाएंगे यानी वह आवेदन कर सकते हैं तो वहीं दरोगा और सिपाही की भी बड़ी बहाली निकली है आर पी एफ में चार हज़ार छः सौ साठ दरोगा और सिपाही की बहाली होने वाली है आपको बताते चले कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आर पी एफ में चार हजार दो सौ आठ सिपाही और चार सौ बावन उप निरीक्षक की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो वहीं बता दें कि बिहार के लिए तैतीस स्टेशनों का अब कायाकल्प होगा प्रधानमंत्री का यह बड़ा ऐलान है तो वहीं आपको बताते चले कि लोकसभा उम्मीदवारों की खर्च सीमा पंद्रह साल में चार गुना बढ़ गई है तो वहीं अब लोकसभा चुनाव को लेकर जीविका दीदी को भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है वह जिम्मेवारी है लोगों को जागरूक करना वोट का महत्व अब समझाते हुए दिखेगी बिहार के पाँच लाख जीविका दीदियाँ और नए मतदाताओं को उमंगित करेंगे और महिलाओं के बीच जाकर उन्हें वोट देने का उनके अधिकार के बारे में बताएंगे हम आपको बताते चले कि ऐसे बता बता रहे हैं जीविका दीदी का वोट का, का महत्व यानी कि मतदाता जागरूकता विषय पर रंगोली बनाएंगी मैं भारत हूँ भारत हैं मुझे मुझमें हम भारत के मतदाता हैं गीत का भी आयोजन होगा रन टू वोट वोटा ठैन रैली और अपने मतदान केंद्रों को पहचाने मेहंदी प्रतियोगिता और मसाल जुलूस भी निकालेंगे रस्सा कसी खेल का आयोजन भी करेंगी हर घर दस्तक डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे आपको बताते चले कि सबसे अधिक जीविका दीदी मनेर में चार तीन हजार यानी कि चौंतीस हजार आठ सौ छब्बीस तो वही बिहटा में तैतीस हजार तीन सौ बीस पालीगंज में तैतीस हजार दो सौ पैंसठ तो वही धनरुआ में तैतीस हजार सात सौ बत्तीस तो हैं सबसे अधिक ग्राम संगठन पालीगंज में हैं एक सौ निन्यानवे तो ही हम आपको बताते चलें कि अब लगातार जो हैं बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बढ़ते जा रहे हैं तो अगली बड़ी खबर का आप इंतज़ार कीजिए फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ धन्यवाद